950,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पर नल से पानी पहुंचने की योजना है 2024 तक, उसी की समीक्षा कर रहे थे कलेक्टर। 950,000 रुपए का जुर्माना लगाया कलेक्टर ने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पर नल से पानी पहुंचाने की है सरकार की योजना 2024 तक, उसी की समीक्षा कर रहे थे कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प। समीक्षा के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही नजर आई, तत्काल ही कलेक्टर ने संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। 950,000 से ज्यादा जुर्माना लगा दिया गया जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर जिला कलेक्टर के द्वारा। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की मंशा है हर घर पर नल से पानी पहुंचे, इसके लिए समय सीमा निर्धारित करके एक बेहतर प्लान करके काम किया जाए। लगातार समीक्षा होगी, हर समीक्षा बैठक में पिछली बैठक से प्रगति न होने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा भी रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने साफ तौर से कहा है। इस सोच के साथ जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के द्वारा 2024 तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत कई बृहद जल योजनाओं का कार्य किया जा रहा है, इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिन गांव के निर्माण कार्य पूरा होकर पानी की आपूर्ति कर दी गई है, वहां से भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। पीएचई विभाग द्वारा लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर 959,538 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प साफ तौर से चाहते हैं जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य 2024 तक सबके घरों में पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया है, उसे हर हालत में पूरा किया जाए। यह तभी होगा जब हम काम को चरणबद्ध तरीके से करेंगे, लगातार समीक्षा की जाएगी, प्रगति नजर ना आने पर अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जाएंगे, इसके लिए वह तैयार रहें, अन्यथा बेहतर तरीके से काम करें। इस बारे में हमने कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से भी बात की, उनका साफ तौर से कहना था जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हमें हर घर पर नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे, छोटे छोटे मिशन हाथ में लेंगे, समय सीमा के अंदर हम उनको काम करके आगे बढ़ते जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही यह मिशन हम अपने निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर कलेक्टर रीवा का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, आज फिर अभी इसी की बैठक चल रही है और SDM को भी हमने निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव में जो नल जल योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, न केवल कार्य की प्रगति की जाकर मौके पर समीक्षा करें बल्कि उसकी क्वालिटी की भी समीक्षा करें। ये देखें कि किस तरह के टैंक बने हैं, किस तरह की पाइपलाइन बिछी है, किस तरह का मोटर लगा है, जो घरों में पानी पहुंचाने की रिपोर्टिंग हो रही है वो रिपोर्टिंग और एक्चुअल जो स्थिति है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। अगले सप्ताह सभी SDM अपने मैदानी अमले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं और नल जल योजनाओं की प्रगति का भी आकलन करने वाले हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट भी करने वाले हैं। जो इसमें काम करने में किसी भी तरह की लापरवाही करेगा उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक सप्ताह के बाद हम इसकी पुनः समीक्षा करने वाले हैं। अगर कोई प्रगति नहीं दिखती है तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।